इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाने वाले कमलेश तिवारी हत्याकांड के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की मां के सुर बदल गए। उन्होंने न सिर्फ अब तक की पुलिस कार्रवाई पर सवालिया निशान लगा दिए, बल्कि यहां तक कह दिया कि यदि पुलिस ने स्वयं असली दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वह खुद हथियार उठाकर इसे अंजाम दे देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने पर भी यह कहते हुए सवालिया निशान लगा दिया कि हिंदुओं में मातम के 13 दिन तक घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं निकलता है। उन्हें जबरन पुलिस ने बाहर निकालकर मुख्यमंत्री से मिलवाया। वह बराबर भाजपा नेताओं को ही इस हत्या के लिए जिम्मेदार बता रही हैं। इस बीच कमलेश तिवारी का वह अंतिम वीडियो भी सामने आया जिसमें वह सूरत में पकड़े गए दो आतंकवादियों द्वारा उनकी हत्या की साजिश रचने संबंधी ATS की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर क्यों सुरक्षा संबंधी उनकी फाइल को इधर उधर टहलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री स्वयं उसे रोके हुए हैं। इस बीच पुलिस ने दो मुख्य हत्यारोपी अशफाक महउद्दीन पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव महोदय आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर, क्योंकि उन्होंने अभी हमारे पास भेजा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई गुजरात में अहमदाबाद में आतंकवादी पकड़े गए हैं, उनकी चार्जशीट में जो पुलिस ने गुजरात ATS ने जो दाखिल किया है चार्जशीट में, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये दोनों आतंकवादी ISIS से जुड़े हुए थे और वो कमलेश तिवारी की हत्या करने का प्लान बना रहे थे और कमलेश तिवारी की हत्या करना उनका मकसद था। इसी तरीके से पूर्व में भी कई घटनाएं घट चुकी हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को बराबर और देश के गृह मंत्री को इन विषयों पे पत्र लिखा जाता रहा है हिंदू समाज पार्टी के द्वारा। पूर्व में भी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र लिखा, उसके अलावा दुबई के अलावा पाकिस्तान और भी मुस्लिम देशों से फोन भरी धमकियां आती रहती हैं। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हाल ही में लखनऊ स्थित आवास में गला काटकर हत्या कर दी गई थी। CCTV फुटेज को देखते हुए इस हत्या को अंजाम दो लोगों ने दिया था। हिंदूवादी नेता की इस हत्या के बाद लखनऊ में विरोध स्वरूप प्रदर्शन शुरू हो गया था और बाजार बंद करा दिए गए थे। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे बेहद गंभीरता से लिया था। गंभीरता से लिए जाने का एक कारण यह भी था कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उसने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए थे। पुलिस का कहना है कि 2015 में मोहम्मद पैगंबर पर की गई टिप्पणी के विरोध स्वरूप ही इस हत्या को अंजाम दिया गया है, जबकि बयान के लगभग 5 साल बाद हुई इस हत्या के कारणों को परिजन सिरे से नकारते हुए कुछ भाजपा के ही नेताओं को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि भाजपा के कुछ नेताओं ने जलन के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने 3 हत्यारोपियों को सूरत से गिरफ्तार कर लिया, जबकि बिजनौर के उन 2 मौलानाओं को भी हिरासत में ले रखा है जिन्होंने 2015 में कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले को मोटी रकम देने का ऐलान किया था। पुलिस कार्रवाई इस दिशा में भी चल रही है कि इस हत्या के पीछे वह मुस्लिम विरोधी बयान ही है, जबकि परिजन यह मानने को तैयार नहीं है। हत्या के बाद शव को जबरन गांव ले जाया गया जिसे लेकर भी दोनों तरफ से टकराव हुआ। इस पर परिजनों ने मुख्यमंत्री के वहां आने की शर्त लगाते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। करीब 12 घंटे बाद मुख्यमंत्री से लखनऊ में मुलाकात समेत अन्य आश्वासन मिलने पर ही शव का अंतिम संस्कार किया गया। बीते दिवस कमलेश तिवारी के परिजनों को, जिसमें उनकी पत्नी, बेटे व मां भी शामिल थे, मुख्यमंत्री से मिलवाया गया। मुलाकात के बाद कमलेश तिवारी की मां कुसुमा देवी ने योगी आदित्यनाथ को बड़ा बेटा बताते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भरोसा दिया है तो समझो कि सब कुछ दे दिया। हम सभी उनको बहुत मानते हैं, लेकिन सीतापुर पहुँचते पहुँचते उनके तेवर और सुर दोनों ही बदल गए।
उन्होंने कहा कि 13वीं से पहले हिंदुओं में कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं जाता है, लेकिन उन्हें पुलिस दबाव में जाना पड़ा। उनकी जो अपेक्षा मुख्यमंत्री से थी, वैसे हाव-भाव योगी के नजर नहीं आए, यानी कुल मिलाकर डाक के 3 पात। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि हत्यारों ने सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उनकी यह प्लानिंग काफी समय से चल रही थी, इसीलिए अशफाक नामक हत्यारे ने फेसबुक पर फर्जी आईडी तक बनाई। पुलिस अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बिजनौर के 2 मौलाना अनवारुल हक व मौलाना मुफ्ती नईम से लगातार विभिन्न स्तर पर पूछताछ चल रही है। टेरर फंडिंग की आशंका भी जताई जा रही है। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। बनी रहेगी हमारी इस पर नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।